कोई चीज़ या डॉक्यूमेंट बन जाए तो हम उसे दोबारा से बना सकते हैं और पिछले डॉक्यूमेंट को डिलीट कर सकते हैं इसी तरह क्विक बुक्स में भी ये सहूलत मौजूद है कि अगर गलती से आपसे कोई डॉक्यूमेंट बन जाए तो हम उसे डिलीट कर दें लेकिन इसके अलावा भी एक सहूलत दी है क्विक बुक्स ने और वो है कि हम डॉक्यूमेंट को वॉइड कर दें वॉइड का मतलब है कलदम ज़रूरी नहीं कि हम कोई डॉक्यूमेंट जो गलती से बन जाए उसे डिलीट ही करें हम उसे वॉइड भी कर सकते हैं इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि जब हम डिलीट करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट हमारे रिकॉर्ड में नज़र आना बंद हो जाएगा और जब हम वॉइड ये कलदम करेंगे तो उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी लेकिन हमारे रिकॉर्ड में नज़र आता रहेगा इन दोनों की ज़रूरत क्यों पेश आई ये समझना ज़रूरी है डिलीट हम उस वक्त करते हैं आम तौर पर जब हमसे कोई गलती हो जाए कोई इन बनाते हुए जब भी हमसे कोई गलती होगी तो हम वो इन्वाइस डिलीट कर देंगे आसानी के लिए लेकिन जब हमारे कस्टमर या क्लाइंट के कहने पे हम कोई उसकी इन डिलीट करेंगे तो उसको हम डिलीट नहीं करेंगे बल्कि कल या वॉइड करेंगे वॉइड करने से ये फायदा होगा हमें कि वो इन्वायस हमें रिकॉर्ड की लिस्ट में नजर आती रहेगी उसकी वैल्यू ज़ीरो होगी और उसकी रीज़न भी हमें पता होगी कि हमने उस दिन इस तारीख को इतने बजे ये डॉक्यूमेंट वॉइड किया है अपने कस्टमर ये क्लाइंट के कहने पे और ये हमारे रिकॉर्ड का हिस्सा रहेगा याद रहे कि अकाउंटिंग में और ख़ास तौर पे अकाउंटिंग सिस्टम्स में कोई भी डॉक्यूमेंट फिज़िकली डिलीट नहीं होता और हमेशा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद रहता है होता सिर्फ ये है कि जब हम डिलीट करते हैं तो वो हमारी लिस्ट में नज़र नहीं आता लेकिन आज जब हम चाहेंगे वो खास रिपोर्ट निकालेंगे जिसमें सारे डिलीटेड डॉक्यूमेंट्स दिखाए तो उसमें ये चीज़ नज़र आ जाएगी और इसी तरह वॉइड का मतलब ये है कि गो इसकी वैल्यू जीरो हो गई है लेकिन वो लिस्ट में मौजूद रहेगी और जब भी हम रिपोर्ट कोई भी निकालेंगे तो वो लिस्टेड नज़र आएगी वॉइट हमेशा आपको पूरी तरह से ये जितने भी आपकी नंबरिंग है नंबरिंग के साथ चलता रहेगा अगर मिसाल के तौर पे आपका पहला इन्वाइस वन दूसरा टू और तीसरा वॉयड इन्यस थ्री है और उसके बाद फोर भी आ गया है तो जब भी आप लिस्ट देखेंगे तो वन टू थ्री फोर सीक्वेंस आपको पूरा नजर आएगा जिसमें थ्री वॉयड इन्वायस भी शामिल होगा लेकिन अगर आपने वॉइड की जगह उसे डिलीट किया है तो आपकी लिस्ट में एक नंबर मिसिंग होगा थ्री नंबर जिसे आपने डिलीट कर दिया है यानी आपकी लिस्टिंग वन टू मिसिंग फोर आपको सीक्वेंस वो दिखाएगा लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम हमेशा ये रिपोर्ट निकाल सकते हैं जिससे हमें ये पता चल सके कि हमने कौन सा डॉक्यूमेंट डिलीट किया है और कौन सा वॉइड किया है आइए हम चलते हैं क्विक बुक्स में और इसमें देखते हैं कि हमने इन डिलीट या वॉइड किस तरीके से करना है जैसे कि आपको पता है कि हर चीज़ हमारे होम पेज से मुंसलिक है और होम पेज से आप जहाँ जाना चाहें नेविगेट कर सकते हैं इसी तरह से हम होम पेज पे आके सबसे पहले कहेंगे क्रिएट एन वॉयस जैसे ही हमने क्रिएट इन किया हमारे पास इन का फॉर्मेट आ गया अगर हम चाहें पिछली इन्ॉयें देखना तो हम पिछली इन वॉयसे भी देख सकते हैं ये इन जिनके मुख्तफ नंबर चल रहे हैं और आप देख सकते हैं कि एक हज़ार एक सौ सोलह एक हज़ार एक सौ सत्रह एक हज़ार एक सौ अट्ठारह और एक हज़ार एक सौ उन्नीस हमारे पास इन मौजूद हैं आइए सबसे पहले हम इनमें से एक इन को वॉइड करके देखते हैं कि वो किस तरह हमारे तमाम चीज़ों को अफेक्ट करेगी मिसाल के तौर पे हमारे पास ये इन है एक हज़ार एक सौ सत्रह इसको जब हमने वॉइड करना है तो हमने जाना है इस डिलीट वाले आईकॉन के ऊपर डिलीट के नीचे आप देख सकते हैं कि एक ड्रॉप डाउन बना हुआ है जिसमें हम वो हमें दो ऑप्शन दे रहा है डिलीट

एक हज़ार एक सौ सत्रह द मोमेंट वी वॉइड दिस डॉक्यूमेंट यू कैन सी कि हमारे पास क्वांटिटी सिफर हो गई और हमारे पास उसकी अमाउंट भी सिफर हो गई और इसका टोटल इफेक्ट ज़ीरो हो गया इस पूरी डॉक्यूमेंट का इफेक्ट ज़ीरो हो गया लेकिन ये डॉक्यूमेंट अभी भी हमारे सिस्टम में मौजूद है अब हम अगर पीछे जाएं, इसको हमने सेव कर लिया है 1116 नंबर भी मौजूद है हमारे सिस्टम में एक हज़ार एक सौ सत्रह भी मौजूद है एक हज़ार एक सौ भी है एक हज़ार एक सौ उन्नीस भी है लेकिन गोइंग बैक जो हमारी एक हज़ार एक सौ सतारह नंबर इन वॉयस है वो अब वॉयड है इसका मतलब ये है कि उसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई है क्योंकि हमने उसे वॉयड कर दिया था नाउ जस्ट टू सी वाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वॉयड एंड डिलीट इससे अगली जो इन वॉयस है जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो तिरासी हज़ार पाँच सौ रुपये की इसकी टोटल वैल्यू है और इसको हम एक हज़ार एक सौ अट्ठारह को डिलीट करेंगे जब हम डिलीट करेंगे तो इसका अफेक्ट डिफरेंट होगा वॉइड वाले से वॉइड वाले हमारी लिस्ट में आएगी अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर क्लाइंट और कस्टमर और हमेशा हमें नज़र आएगी ज़ीरो वैल्यू के साथ डिलीटेड जो है वो हमारे उस लिस्ट में से गायब हो जाएगी रिकॉर्ड में रहेगी सिस्टम में से कभी नहीं जाएगी लेकिन वो एक मिसिंग इन आपको बीच में नजर आएगी नंबर याद रखिएगा एक हजार एक सौ अट्ठारह इन दिस केस अगेन वी आर गोइंग टू गो टू डिलीट एंड दिस टाइम वी आर गोइंग टू डिलीट दिस इन हमेशा क्रॉस चेक करता है हमारा सिस्टम वो पूछ रहा है हमसे डू यू वॉन्ट टू डिलीट दिस ट्रांजेक्शन से ओके okay. अब हमारे पास वो ट्रांजेक्शन डिलीट हो गई है और फ़र्क मैंने आपको बताया था वॉइड

वैसे तमाम इन्वॉइस एक हजार एक सौ सोलह एक हजार एक सौ सत्रह विच और एक हजार एक सौ उन्नीस जो कि हमारे इस कस्टमर के साथ एसोसिएटेड है लिंक्ड हैं वो सारी मौजूद हैं सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन वॉइडिंग एंड डिलीटिंग एन इन वॉयस याद रहे सिस्टम में हमेशा रहेगी लेकिन आप उसे नहीं देख पाएंगे लेकिन आपको जैसे पता ही है कि हम ये तमाम अपनी पुरानी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो देख सकते हैं क्योंकि सिस्टम से कभी नहीं जाती तरीका है आप जाइए जी रिपोर्ट्स के अंदर आप चेक करें अकाउंटेंट एंड टैक्सेस इसमें आपने देखना है जी वॉइडेड और डिलीटेड ट्रांजेक्शन समरी इसको चूज करें और जैसे ही आप करेंगे आपके पास डिटेल आ जाएगी उन तमाम डॉक्यूमेंट्स की जो आपने डिलीट या वॉइड की हुई हैं इस पर्टिकुलर कस्टमर की अब याद रहे कि हमने एक पर्टिकुलर इन्वॉयस जो कि एक थी वॉयड की थी और वो हमारे पास सिस्टम में भी मौजूद है और हमें नज़र भी आ रही और एक हज़ार एक सौ अट्ठारह वो डॉक्यूमेंट है जो हमने डिलीट किया था इसकी पूरी डिटेल हमारे सिस्टम में हमेशा मौजूद रहेगी किस दिन क्रिएट हुई किस दिन डिलीट हुई किस टाइम पे डिलीट हुई और अगर हमारे पास मल्टी यूजर सिस्टम है तो ये ये भी बताएगा कि किस यूज़र ने अपने लॉग इन से इसको डिलीट किया और इसी तरह से वर्ल्ड की तमाम हिस्ट्री हमारे पास मौजूद है जिसमें बता रहा है कि ये क्रिएट किस दिन हुई थी और इसको हमने वॉइड किस दिन किया सो नाउ यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड वॉइडिंग इन इन अब आप क्लियर है कि डिलीट में और वॉइड में फ़र्क क्या है कब इस्तेमाल होते हैं याद रहे सिस्टम से कभी भी डॉक्यूमेंट गायब नहीं होगा जब डॉक्यूमेंट बन गया तो वो हमेशा हमेशा के लिए रहेगा आप डिलीट भी करेंगे तो वो आपको एज ए डिलीटेड डॉक्यूमेंट दिखा दिया करेगा वॉइड और डिलीटेड में फ़र्क भी आपको क्लियर हो गया है वॉयड हमेशा हमारे रिकॉर्ड के साथ उस क्लाइंट या कस्टमर के नज़र आता रहेगा डिलीटेड नज़र नहीं आएगा उसके रिकॉर्ड के साथ और उसका नंबर एक मिसिंग होगा लेकिन हमारे सिस्टम में हमेशा ये दोनों डॉक्यूमेंट्स दोनों टाइप की डॉक्यूमेंट्स मौजूद रहेगी जब चाहें हम इनको चेक कर सकते हैं देख सकते हैं क्योंकि ऑडिट पर्पस के लिए हमने सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना ज़रूरी है भले वो वॉइड हो चुका हो भले वो डिलीट हो गया हो सारा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद होगा और हमने इन्हें फिजिकली अपने सिस्टम से या अपने डेटा बेस से आउट नहीं किया हैव ओनली बी मार्क्ड एज वॉयड और एज डिलीटेड तो उम्मीद है कि आपको इन दोनों का डिफरेंस क्लियर है और कब इस्तेमाल करना है वो भी काफ़ी हद तक क्लियर हो गया है थैंक यू सो मच